हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्तों में तो मेरे चैनल प्रोटेक्ट ऑल स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ एक मोबाइल लेंस जो एक टेलीस्कोप लेंस है। इस वीडियो में हम इसी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। मैंने और भी लेंस पर वीडियो बनाया है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका इमेज क्वालिटी कैसा है, जूमिंग कितना ज्यादा कर लेता है और क्लियरिटी कैसा है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि आप इस प्रोडक्ट के बारे में जान सके और अपने लिए भी एक बेस्ट मोबाइल कैमरा लेंस बाय कर सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लेता है कि आपको इस तरह नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेलीस्कोप लेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, हाई क्वालिटी टेलीस्कोप लेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक इमेज भी बताया हुआ है जो यहाँ पर नॉर्मल से इस तरह यहाँ पर फोटो क्लिक करेगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट फॉर मतलब किन किन चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे बोटिंग, स्पोर्ट, बर्ड वॉचिंग, ऑटो रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, हंटिंग, बीच ट्रेवल, मतलब कोई भी चीज के लिए यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो बिना देर के चले हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, तो हम एक एक को देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्लोथ मिल जाता है जिससे आप लेंस को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मैनुअल मिल जाता है जिसमें आपको इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए होंगे, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये वीडियो देखने के बाद। यहाँ पर आपको एक स्क्रू टाइप दे दिया जिससे आप होल्डर को टाइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आपको मिनी ट्राइपॉड मिल जाता है जिससे जिसपे आप स्टैंड करेंगे इस लेंस को। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक मोबाइल होल्डर जिसमें आप अपने मोबाइल को सेट करेंगे शूट के लिए। बाद यहाँ पर आपको एक मिल जाता है एक और होल्डर टाइप मिल जाता है जिसमें आप लेंस को सेट करेंगे, तो इसे भी हम आगे यूज करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंस यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं और यहाँ पर आपको एक हैंगिंग स्ट्रिप मिल जाता है जिसे आप लेंस में लगा सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर आपको टेलीस्कोप यहाँ पर देखने को मिलता है जो लेंस का काम करेगा। बहुत ही साइज में बहुत बड़ा यहाँ पर आपको ये मिल जाता है ना, इसकी साइज इतनी बड़ी है तो मतलब किसी क्लैरिटी की नहीं बेटर हो सकती, ये सोचने वाली बात है। तो अभी हम आगे देखेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप लेंस आगे देख सकते हैं, इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर पीछे से भी आप ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पीछे से भी आप लेंस देख सकते हैं। यहाँ पर आप इससे जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लेंस को ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर इसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये लेंस धीरे धीरे नीचे जा रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंस पूरी तरह यहाँ नीचे चला गया है, लेकिन इसे अगर मैं वापस से लेफ्ट राइट करता हूँ तो ये वापस से ऊपर आ रहा है। तो इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिखाता है। मटेरियल क्वालिटी बात करें तो फुल्ली प्लास्टिक का मटेरियल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसका 40x का लेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी हम कुछ इमेजेस और वीडियोस लेकर देखते हैं इस लेंस से। अभी मैं यहाँ पर कैमरा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर कैमरा ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2x पे रखा है यहाँ पर जूमिंग, और सामने जो भी आप बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हो वो आप देख सकते कितना दूर है। अगर मैं बहुत ज़्यादा जूम भी करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नॉइस और कितना बेकार क्वालिटी का इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियरिटी थोड़ा भी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, 10x पर पूरा मैक्सिमम गया है। तो अभी हम लेंस को लगाने के बाद देखते हैं किस प्रकार की क्वालिटी यहाँ पर आपकी ये देखने में। तो अब हम लेंस में लगा लेते हैं इसे। यहाँ पर जो सर्कल आ रहा है उसको हटाने के लिए हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे इस तरह, और वो सर्कल यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन पे इमेज इस तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप खुद देख सकते हैं क्लियरिटी 2.9x का मैंने जूमिंग किया है सिर्फ, और लेंस की वजह से आप देख सकते हैं क्लियरिटी कितनी क्लियर यहाँ पर आ रही है और इमेज में थोड़ा भी नॉइस वगैरह डॉट डॉट्स नहीं आ रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कौन सा चीज़ कहाँ है बिल्डिंग में, जो कि नॉर्मल कैमरे से नहीं देख पा रहे थे हम लोग। फ्लैट में यहाँ पर साइकिल रखी हुई आप देख सकते हैं, यहाँ पर कपड़े वगैरह आप देख सकते हैं, कपड़े कौन से कलर के वो भी आप देख सकते हैं, ऑरेंज कलर के यहाँ पर कपड़े आप देख सकते हैं जो टंगे हुए हैं। यहाँ पर आप क्लियरिटी देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पर इसकी मिल जाती है आपको। और यहाँ पर आप टॉप पर भी देख सकते हैं बिल्डिंग के, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर कोई आदमी हो वो भी आप देख सकते हैं। इसकी क्लियरिटी और जूमिंग कितनी बढ़िया यहाँ पर आपको मिल जाती है, एकदम क्लियर इमेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है, और कितना दूर का इमेज कितना क्लियर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप इस चिमनी को देख सकते हैं कितना क्लियर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इस बिल्डिंग को भी आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, आप मेट्रो भी देख सकते हैं जाते हुए, एकदम क्लियर आप देख सकते हैं मेट्रो को जाते हुए। और यहाँ तक कि यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि मेट्रो में क्या लिखा हुआ है, अगर ट्रेन रुकी होती तो शायद हमें पढ़ भी सकते थे कि क्या लिखा हुआ है। तो लेंस का क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर अगर हम फुल जूम करते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जूम हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट को भी देख सकते हैं एकदम क्लियरली, तभी भी इमेज में डॉट डॉट्स वगैरह यहाँ नहीं देखने को मिल रहे इतना जूम करने के बाद भी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया ये लेंस, बहुत ज़्यादा यूज़फुल लेंस है। मैं यहाँ पर एक इमेज क्लिक कर लेता हूँ।
वीडियो में भी आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि बिल्डिंग के रेलिंग को भी आप देख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इसे स्टेबल रखेंगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्जिद का जो ये है टॉप, उसको भी आप कितना क्लियरली यहाँ देख सकते हैं जूम करने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन किस प्रकार की बनाई हुई है, क्या है कैसे है, कितना क्लियर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी लेंस से हटा के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर दूर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 5.5x के जूमिंग में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरिटी थोड़ी भी नहीं मिल रही है, और यहाँ पर डिज़ाइन जो हम एकदम बारीकी से देख रहे थे तो वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी जूम करने के टाइम। तो इतना ज़्यादा क्वालिटी इसकी ख़राब हो जाती है जब हम मोबाइल कैमरा से, लेकिन लेंस को लगाने के बाद तो आप देख सकते हैं कि कितना क्लियरिटी यहाँ पर आपको उसी चीज़ का देखने को मिल जाता है। उसी पिलर को भी हम देख रहे थे नॉर्मल कैमरे से, उसी को देख रहे हैं लेंस लगाने के बाद, तो आप डिज़ाइंस को देख सकते हैं कितना क्लियर यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा इसका क्वालिटी जो था वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको मिलता है, था इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मिल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जूम कर देता है जितना कि मोबाइल से जूम नहीं हो पाता। मोबाइल से जूम होने पे इमेज फटते हैं जैसे कि आपने देखा, उसमें नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये टेलीस्कोप लेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगा। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।